हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू खूबसूरत ट्रैवलिंग। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से ही होंगे। टूरिस्ट पैलेसेस और धार्मिक पैलेसेस के बारे में एक से बढ़कर एक जानकारी देने वाले इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक और नया व्लॉग, जो और व्लॉगों की तरह ही बेहतरीन होने वाला है। गाइज, आपने टाइटल फटकर तो देख ही लिया होगा कि ये व्लॉग किसके बारे में है। जी हाँ, यह व्लॉग है भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। गाइज, भगवान शिव से समर्पित दो चीजें होती हैं, एक ज्योतिर्लिंग और दूसरा शिवलिंग। ज्योतिर्लिंग स्वयंभू होते हैं, अर्थात जो अपने आप बनते हैं, और शिवलिंग को बनाया जाता है, अर्थात ये मानव द्वारा बनाए जाते हैं। तो ऐसे शिवलिंग तो बहुत सारे हैं, लेकिन ज्योतिर्लिंग 12 ही हैं जो अपने आप बने हैं। तो फ्रेंड्स, देश का एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कैसे जाया जाए, कहाँ रुके, यहाँ पर दर्शन करने की क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, खाने पीने के लिए क्या मिलेगा, दुनिया का एकमात्र मंदिर काल भैरव मंदिर जहाँ पर भगवान शिव को श्राप पिलाई जाती है, तो यह श्राप क्यों पिलाई जाती है और ये रिवाज कब से आया, और इसके आसपास और कौन कौन से मंदिर या अदर टूरिस्ट पैलेसेस हैं जहां पर विजिट करना चाहिए, कितने दिन का टूर प्लान होना चाहिए और कुल कितना खर्चा बैठ जाएगा, तो इससे रिलेटेड पूरी जानकारी इस व्लॉग में मिलने वाली है। तो बने रहे इस व्लॉग में लास्ट तक। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में कहा जाता है, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। अर्थात कालों के काल महाकाल की महिमा अद्भुत है, जिसको 12 ज्योतिर्लिंगों में से सर्वोत्तम माना गया है। और इसके बारे में ऐसा भी कहा जाता है, आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हाटकेश्वर शिवलिंग और पृथ्वी पर महाकालेश्वर ही सर्वोत्तम या मान्य ज्योतिर्लिंग है। काल का अर्थ मृत्यु और समय दोनों है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में पूरी दुनिया का मानक समय यहीं से निर्धारित होता था, इसलिए इसका नाम महाकालेश्वर पड़ा। महाकाल का ज्योतिर्लिंग तब प्रकट हुआ था जब एक राक्षस को मारना था, उस समय भगवान शिव उस राक्षस का काल बनकर आए थे। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग देश का एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। महाकवि कालिदास ने भी मेघदूत में इस मंदिर की प्रशंसा की है। जिन लोगों को अकाल मृत्यु का भय रहता है, उनको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि जिन पर महाकाल की कृपा हो उनका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब गाइज, बात कर लेते हैं यहाँ पर कैसे जाया जाए। अगर आप यहाँ पर बाई ट्रेन जा रहे हैं तो इसके सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन पड़ता है उज्जैन जंक्शन। यहाँ से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग 1.4 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। ओवरऑल इंडिया से उज्जैन जंक्शन के लिए रेल कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, तो आपको हर जगह से यहाँ के लिए ट्रेन मिल जाएगी। अगर आप यहां पर बस के द्वारा आ रहे हैं तो आसपास के बड़े बड़े शहरों से बस की सुविधा भी काफ़ी अच्छी है। उज्जैन के बस स्टैंड से भी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग 1.4 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। अगर आप पहले ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं तो वहां से भी बस लेकर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। उज्जैन जंक्शन के अलावा आप इंदौर जंक्शन भी आ सकते हैं। यहाँ से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग 56 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। फिर आप इंदौर के बस स्टैंड से बस के द्वारा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। अगर आप यहाँ पर बाई फ्लाइट आ रहे हैं तो इसके सबसे नज़दीक एयरपोर्ट पड़ता है इंदौर एयरपोर्ट, तो आप इंदौर के अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट से बाहर आकर इंदौर बस स्टैंड से बस के द्वारा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए जा सकते हैं। इंदौर एयरपोर्ट से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग 57 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। अब गाइज, बात कर लेते हैं यहाँ पर रुके कहाँ। तो सबसे पहला ऑप्शन है महाकालेश्वर ट्रस्ट भक्त निवास भवन, जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से मात्र 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप इस भक्त निवास में स्टे करना चाहते हैं तो इसकी ऑनलाइन बुकिंग आपको पहले ही करनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी बुकिंग बहुत जल्दी हो जाती है। तो आप जो ये स्क्रीन पर वेबसाइट आ रही है, इस पर जाकर ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। यह महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग ट्रस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पर नॉर्मली नॉन एसी रूम 500 या 600 रुपए से स्टार्ट हो जाता है और एसी रूम 900 या 1000 रुपए से स्टार्ट हो जाता है, और आगे आप अपने मन पसंद या अपने बजट के अनुसार ले सकते हैं। अगर आप भक्त निवास में स्टे नहीं करना चाहते हैं तो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के आसपास काफ़ी सारे होटल्स और धर्मशालाएं और गेस्ट हाउस हैं, आप उनमें भी अपने बजट के अनुसार रुक सकते हैं।
तो यहाँ पर होटल्स में नॉर्मली नॉन एसी रूम 700 रुपए से स्टार्ट हो जाता है और एसी रूम 1100-1200 रुपए से स्टार्ट हो जाता है। तो आगे आप अपने बजट के अनुसार ले सकते हैं। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं यहाँ पर दर्शन कैसे करें। यहाँ पर दर्शन तीन तरीके के होते हैं, फ्री दर्शन, वीआईपी दर्शन और स्पेशल वीआईपी दर्शन। फ्री दर्शन का कोई चार्ज नहीं है, तो आपको फ्री दर्शन वाली लाइन में लग जाना है और इस दौरान समय लगेगा करीब 2.5 से 3 घंटे का और विशेष अवसरों पर यह समय हो जाता है 7 से 8 घंटे का। तो बाहर निःशुल्क चप्पल जूते काउंटर पर आप अपने फ्री में चप्पल जूते जमा करा के वहाँ से एक टोकन लेकर के दर्शन की लाइन में लग सकते हैं, या फिर आप चप्पल जूते बाहर रख कर भी दर्शन के लाइन में लग सकते हैं। मंदिर परिसर में मोबाइल फ़ोन अलाउ है, लेकिन ज्योतिर्लिंग के पास मोबाइल फ़ोन से पिक्चर लेना या वीडियो बनाना बिल्कुल बंद है। वीआईपी दर्शन की प्राइस है 250 रुपये। तो आप ये स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। वीआईपी दर्शन में आपको ज्योतिर्लिंग के पास से दर्शन कराया जाता है और इस दौरान आपको दर्शन करने में लगभग आधे घंटे का समय लग जाएगा। अगर आप वीआईपी दर्शन ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर पाए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहाँ पर मंदिर के पास काउंटर पर जाकर भी वीआईपी दर्शन का टिकट ले सकते हैं। और स्पेशल वीआईपी दर्शन टिकट की प्राइस है 1500 रुपये। इसमें आपको ज्योतिर्लिंग को हाथ लगा करके दर्शन करने दिया जाता है, जो पूजा विधि विधान होता है उसमें शामिल होने का भी अवसर दिया जाता है, जो भस्म आरती होती है वो भी इसके अंदर शामिल है, जो मंदिर परिसर में परकोटा है उसमें भी घूमने का अवसर दिया जाता है। फ्री दर्शन और 250 रुपये वाले वीआईपी दर्शन टिकट में ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। मंदिर के खुलने का टाइम सुबह 4 बजे से लेकर रात 11 बजे तक होता है और भस्म आरती सुबह 4 बजे ही होती है। गर्भगृह में विराजमान भगवान महाकालेश्वर के साथ साथ आप माता पार्वती, भगवान गणेश एवं भगवान कार्तिकेय के भी दर्शन कर सकते हैं। गर्भगृह में नंदी देव भी स्थापित है जो सदैव प्रज्वलित रहता है। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं यहाँ पर खाए क्या। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है महाकालेश्वर ट्रस्ट द्वारा दिया जाने वाला प्रसाद। मंदिर ट्रस्ट द्वारा दिया जाने वाला प्रसाद इसके पास में स्थित दीनदयाल रसोई केंद्रों में मिलता है। अगर आप इसमें भोजन करना चाहते हैं तो उसके लिए 5 रुपये देने पड़ते हैं और प्रसाद निःशुल्क मिलता है। और सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक श्रद्धालुओं के लिए नाश्ता भी वितरित किया जाता है और लंच का टाइम रहता है सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक और डिनर का टाइम रहता है शाम 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक। तो इस तरह आप टोकन लेकर भी मंदिर में प्रसाद के रूप में भोजन कर सकते हैं। अगर आप मंदिर ट्रस्ट में खाना नहीं चाहते हैं तो बाहर काफ़ी सारी रेस्टोरेंट्स एवं ढाबे हैं, वहाँ पर भी खाना खा सकते हैं। वहाँ पर आपको ऑल इंडिया के सभी जगह का खाना मिल जाएगा, चाहे वो नॉर्थ इंडिया का हो चाहे साउथ इंडिया का हो, तो आप अपनी मनपसंद के अनुसार खाना खा सकते हैं। और यहाँ पर मोस्टली पर थाली की प्राइस रहेगी 130 रुपये से 150 रुपये तक। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इसके आसपास और कहाँ कहाँ विजिट कर सकते हैं। सबसे पहले लेते हैं रामघाट, जो यहाँ से 950 मीटर की दूरी पर स्थित है, जो शिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है, जिस पर प्रत्येक 12वें वर्ष में कुंभ मेले का आयोजन होता है। यह विश्व का सबसे बड़ा मेला होता है और श्रद्धालु इस दौरान स्नान करते हैं और स्नान करके पुण्य के भागीदार बनते हैं। यह घाट सबसे प्राचीन है। जब भगवान राम वनवास काल में थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, तो उन्होंने अपने पिता का तर्पण यहीं पर किया था। दूसरे नंबर पर लेते हैं साक्षी गोपाल मंदिर, जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से मात्र 110 मीटर की दूरी पर स्थित है। तीसरे नंबर पर लेते हैं माँ हरसिद्धि माता शक्तिपीठ मंदिर, जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से 450 मीटर की दूरी पर स्थित है। अब गाय चौथे नंबर पर लेते हैं काल भैरव मंदिर, जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से 5.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वैसे तो भगवान शिव का भैरव रूप रौद्र और तपोगुण प्रधान युक्त है, लेकिन काल भैरव अपने भक्त की पुकार सुनकर उनकी सहायता के लिए दौड़े चले आते हैं। काल भैरव के इस मंदिर में मुख्य रूप से मदिरा का ही प्रसाद चढ़ाया जाता है। मंदिर के पुजारी भक्तों द्वारा चढ़ाए गए प्रसाद को प्लेट में उडेलकर भगवान शिव के मुख से लगा देते हैं और देखते ही देखते भक्तों की आंखों के सामने यह प्रसाद भगवान भैरवनाथ पी जाते हैं। यह एक ऐसा चमत्कार है जिसे देखने के बाद भी विश्वास करना कठिन है। सदियों पुराने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसके दर्शन किए बिना महाकाल के दर्शन अधूरे माने जाते हैं।
इसके बाद आप जा सकते हैं ब्रह्मत्री केव्स, जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से 3.2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा ओमकारेश्वर महादेव का मंदिर, जय मां गढ़कालिका माता मंदिर, विक्रमादित्य सिंहासन, श्री चिंतामन गणेश टेम्पल, मंगलनाथ मंदिर, इस्कॉन टेम्पल, संदीपनी आश्रम, गोमती कुंड। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद गाइज आप यहां से 139 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए भी जा सकते हैं। यहां से ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए बस की अच्छी सुविधा है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से यही 2 ज्योतिर्लिंग ऐसे हैं जो पास पास में स्थित हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए आपका टूर प्लान 2 डेज और 1 नाइट का तो होना ही चाहिए। अगर आप यहां पर फ्री दर्शन करते हैं तो पर पर्सन खर्चा बैठ जाएगा 1500 रुपये। इसमें आपके आने जाने की टिकट नहीं है, वह मंदिर के दौरान दर्शन के दौरान होने वाला खर्चा ही शामिल है, जिसमें आपका खाने पीने का और स्टे करने का भी है।